अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान भाई, आप देख रहे हैं उस्मानिया टॉक। आज इस वीडियो में हम अपकमिंग कार्स के बारे में बात करेंगे। पांच अपकमिंग कार्स जो कि पाकिस्तान में 2019 में लॉन्च होंगी। फाइव सेडान अपकमिंग कार्स हैं जो 2019 में पाकिस्तान में लॉन्च की जाएंगी। कंपनी का माइंड है कि ये पाँच सेडान कार्स को पाकिस्तान में 2019 में लॉन्च किया जाए, क्योंकि ये वो कार्स हैं जो काफ़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉन्च की जाएंगी, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुई। तो उम्मीद है कि 2019 में इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। अब चलते हैं हम वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं सेडान कार्स किसे कहते हैं। सेडान कार्स वो कार्स होती हैं जिनकी बैक पे ट्रंक होता है, मतलब कि बैक स्पेस होती है, जिसे हम डिगी कहते हैं। और हैचबैक कार्स वो होती हैं जो पीछे फ्लैट होती हैं, मतलब उनकी डिगी नहीं होती। बात करते हैं सेडान कार्स के बारे में। नंबर वन पे जो सेडान कार है वो है टोयोटा वायस। टोयोटा वायस सबसे पहली कार है जो 2019 में लॉन्च की जाएगी। कन्फर्म है कि टोयोटा वायस 2019 में मार्च के महीने में पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। ये पाकिस्तान में 1000cc इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल ब्रांड होता है उससे काफ़ी लेस में पाकिस्तान में लॉन्च की जाती है। इंटरनेशनल ब्रांड जो है उसमें 1300cc या 1500cc इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में 1000cc इंजन के साथ लॉन्च की जाएगी और इसकी प्राइस भी लेस होगी ताकि लोग परचेज कर सकें। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आती है वो है हुंडई वर्ना है। ये वर्ना काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ये भी 2019 में लॉन्च की जाएगी। हुंडई इसमें हुंडई वर्ना में आपको 1300cc का इंजन मिलेगा। अगर 2019 में ये गाड़ी लॉन्च हुई तो ये बाहर से इंपोर्ट की जाएगी, क्योंकि 2020 में इसका प्लांट फैसलाबाद में कंप्लीट होगा, तो तब तक ये गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में सेती जाएगी। नंबर थ्री पे हमारे पास आती है हुंडई एलेंट्रा। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेल फर्निश्ड गाड़ी है, काफ़ी अच्छी लुक रखती है। हुंडई एलेंट्रा के इंजन की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 1500cc इंजन के साथ पाकिस्तान में लॉन्च होगी और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है और ये भी बाहर से इम्पोर्ट की जाएगी। नंबर फोर पर हमारे पास आती है प्रोटॉन सागा। प्रोटॉन सागा मलेशियन कंपनी है और ये मलेशिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएगी और यहाँ सेल की जाएगी, क्योंकि अभी इसका प्लांट नहीं है। नंबर फाइव पे हमारे पास आती है होंडा सिटी। इसका फेसलिफ्ट रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। ये भी काफ़ी अच्छी प्राइस से पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी, लेकिन इसकी प्राइस सुनने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट 20 अबव हो गई है, तो और ये जल्द पाकिस्तान में लॉन्च की जाएगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।